जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद स्कूल मास्टर रह चुके हैं और जेपीएससी में 47 रैंक लाए हैं। 50 से नीचे रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात है, और साथ में पढ़ाई करते करते, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद जेपीएससी में सफल हो गए। कैसे हुआ ये? लगातार लगे हुए थे इसके पीछे, बहुत सारा मोटिवेशन था, मेहनत भी थी और कुछ लोगों का साथ था, बस ये बस मुमकिन हो और पाया। कहाँ, किस स्कूल में पढ़ाते हैं आप? मैं मध्य विद्यालय सिलवार खुर्द में हूँ, सिलवार में। वहाँ मैं प्रभारी भी हूँ अपना, अच्छा, और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो कैसा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे? अब आपने जेपीएससी निकाल लिया तो बच्चे देख के तो खुश हो गए होंगे बहुत, कि सर जब निकाल लिए तो क्या अभी से वो मोटिवेट रहेंगे पढ़ने के लिए आगे? जी, बच्चों बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं और मैं बच्चों को मोटिवेट भी रखता हूँ। आई थिंक मैंने 2016 में ज्वाइन किया था स्कूल को, और पहला मिशन जो हमने स्टार्ट किया था वो नवोदय में बच्चों का सिलेक्शन, अच्छा, और सिलवार पंचायत में कभी भी कोई भी बच्चा नवोदय में सिलेक्ट नहीं हुआ था। हाँ, जी, मेरे ज्वाइन करने के बाद आई थिंक 2018 या 17 या 18 में पहला सिलेक्शन आया, और हम हर साल नवोदय सिलेक्शन देते हैं, तो हाँ, उसका हम अलग से कोचिंग हम लोग टीम बना करके उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बहुत अच्छा अनुभव है, बच्चे मोटिवेटेड हैं, बिल्कुल। क्योंकि तो ये कितना टफ होता है ऐसे नवोदय में जाना नॉर्मल स्कूल से? नॉर्मल स्कूल्स के बच्चों को टफ होता है, क्योंकि एक तो है कि बुक्स के अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा है कि थोड़ा सिलेबस जो होता है वो नॉर्मल स्कूल सिलेबस से अलग होता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग क्योंकि कॉम्पिटिशन लाइन से आए हैं और हमें इन सब चीज़ों को फेस कर चुके हैं, तो जब बच्चों को मोटिवेट करते थे तो वैसा इम्पैक्ट तो पड़ा, तभी रिजल्ट आता था। अब क्लियर करने के बाद बच्चे थोड़ा और रियलिस्टिकली उसके आगे जाने का सोच रहे हैं कि अगर सर कर सकते हैं तो वो भी अब जेपीएससी यूपीएससी बिल्कुल। एग्ज़ाम में कर तो सकते एक हैं। सवाल है कि अच्छा खासा सरकारी नौकरी में आप हैं, मतलब सरकारी नौकरी भी है, हेडमास्टर भी हैं आप स्कूल के, तो फिर से जेपीएससी की तरफ रुझान क्यों हुआ? ये कब हुआ? क्या पहले से ऐसा था या फिर अभी बीच में कुछ? एक्चुअली कुछ लोग थे जो मोटिवेट कर रहे थे कि आपको आना चाहिए सेवा में, और जब गवर्नमेंट में, क्योंकि इससे पहले मैं कॉरपोरेट स्कूल में था तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेटअप की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में आया और इस सेटअप को समझना शुरू किया, और इम्पैक्ट जो सिविल सर्विस, एक सिविल सर्वेंट जो वो इम्पैक्ट कर सकता है रूरल इंडिया के लिए, और हमारा स्टेट 46% पॉवर्टी से नीचे है, तो एक इम्पैक्ट का एक कॉज भी, मुझे कॉज बहुत एक्चुअली बहुत इनवाइट किया कि मैं इसके लिए प्रिपेयर करूं, और प्लस फ्रेंड्स थे एक दो बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने कहा कि आपको आना चाहिए इसमें और बेहतर करना चाहिए, और तो ये मुझे एक प्लेटफॉर्म लगा, तो सर मैंने इसको एक्सेप्ट तो किया। शुरुआत कहाँ से हुई स्कूल लाइफ से लेके अगर ग्रेजुएशन करें तो? एक बच्चा के अंदर जो प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे जाके कुछ करना है, या फिर उसके अंदर जो दिमाग में एम होता है वो तो कहीं ना कहीं स्कूल से या कॉलेजेस से आ जाता है। तो आपके अंदर क्या टीचर बनना एक सपना था, या फिर उसके बाद जब टीचिंग लाइन में आ गए तब आपने ये डिसाइड किया कि जेपीएससी की तैयारी करें? और अगर वो डिसाइड किया तो उसके बाद कैसे फिर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया? क्योंकि नॉर्मल रूटीन तो आप अगर किसी जॉब में हैं तो वो जॉब से ड्यूटी में आना है, ड्यूटी में जाना है, पढ़ाना है, लेकिन कुछ अलग करने के लिए एक रूटीन में चेंजेस होता है, तो वो कैसे किया? सर स्टार्ट से शुरू करते हैं हाँ, सर। मेरा जन्म हुआ है घाटोटांड में, जो यहाँ से 36 किलोमीटर दूर है, उस समय वो हजारीबाग जिला में था, अभी वो घाटो अभी वो रामगढ़ जिले में है। वहाँ से मैंने केजी से प्लस टू की पढ़ाई की, उसके बाद मैं सेंट कोलम्बस कॉलेज आ गया, और 2008 में मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ, और उसके बाद था कि मुझे कुछ करियर ऑरिएंटेड काम करना था, बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो मैं बीए ट्रेनिंग में चला गया। बीए ट्रेनिंग में जब गया तो जगन्नाथ जैन कॉलेज में मुझे जो एचओडी थे प्रोफेसर अशोक अभिषेक, उन्होंने एक ज़बरदस्त एजुकेशन के प्रति मेरा एक जोश पैदा किया और मोटिवेट किया कि मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो एक अट्रैक्शन तो था कि ये फील्ड लाइफ चेंजिंग फील्ड है और एजुकेशन में अच्छे लोगों को आना चाहिए, और बहुत मोटिवेशन मुझे मिला, तो मैं उस पर करता गया, और फिर बहुत सारे तरह का अनुभव रहा। मैं प्राइवेट स्कूल पे मैंने काम किया, मैं रेसिडेंशियल स्कूल में भी था सीतापुर लखनऊ के पास में, और तो वो एक सीएसआर स्कूल था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल, तो वहाँ गरीब स्कूल के बच्चे आते थे, लेकिन लगभग वो बहुत बड़ा कैंपस है, आप यूट्यूब पे विद्या ज्ञान लीडरशिप एकेडमी चेक कर सकते हैं, तो एक तो इनिशियल वो एक चेंज लाने वाला, एक तो वहाँ से कुछ मिला,
और गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद भी लगा कि इसके आगे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो एक था कि आप कितना चेंज ला सकते हैं और आप अपने लाइफ को भी कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये दोनों फैक्टर था, सिर्फ ये नहीं था कि एक जॉब को और एक्सटेंड करना है, एक ऐसे जॉब में जाना है जिसमें कि आपका इम्पैक्ट जो है वो और बेहतर हो। तो ये एक मोटिवेशन था सर। तो वही मैं वो पूछ रहा था कि आपने चेंज कैसे किया। एक तो नॉर्मल रूटीन था, आप जॉब में जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, आते थे, लेकिन फिर JPSC एक एडेड बर्डन था, बर्डन तो नहीं कहूँगा, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो आपने मतलब शुरू किया, तो वो कैसे मैनेज किया, वो टाइम कैसे मैनेज किया? सर हमारा स्कूल टाइमिंग लगभग 8 से 2 आमतौर पर रहता है। 2 बजे के बाद लौटना स्कूल से, उसके बाद कुछ हल्का खाना कुछ खा लिए दोपहर को, 1-2 घंटा सो गए। जब सो के उठते थे लगभग 5, 4, 4:30 के, आदत है स्कूल डेज से आदत है सोने की। तो उसके बाद मैं अपने आप को टीचर समझता ही नहीं था। अच्छा। मैं अपने आप को वही स्टूडेंट समझता था जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा करता था। अच्छा। वही अटायर पहनना और उसी तरह से अपनी किताबों के बीच बैठ जाना, और ये मैं लगातार करता रहा हूँ। और अपने आप को एक डुअल रोल में मैंने अपने आप को देखा, एक टाइम टीचर, हाफ टाइम टीचर, हाफ टाइम स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट का जज्बा मैं रखा हूँ सर, आज भी रखता हूँ सर। यही करते करते अब JPSC में भी रैंक 47 आ गया है, बहुत बड़ी बात है। हजारीबाग सीट पर बहुत लोगों ने निकाला है JPSC, रैंक 6 भी यहीं से है और 100 प्लस भी रैंक है यहाँ से, मतलब हर तरह का क्राउड जो है यहाँ पे आया है। इसके पहले HOD एक हर्षवर्धन है, उन्होंने 73 रैंक लाया है, उन्होंने बोलते बोलते। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप लोग जो नए युवा हैं उनका सीट ले रहे हैं? देखिए बात क्या है कि हमारा फाइट ज़्यादा टफ है, वो फुल टाइमर है, हम लोग पार्ट टाइमर है, और कंपटीशन ओपन टू ऑल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग जा रहे हैं, ये उनके लिए भी मोटिवेशन की तरह है कि अगर हम लोग तो बड़े हो गए तो भैया हो गए, कि भैया लोग अगर पार्ट टाइम कर सकते तो हमारे पास फुल टाइम है, तो ये तो एक मोटिवेशन है सर। उनको और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब आप लोगों का इंटरव्यू देख के उनको लगेगा कि उनके पास 24 घंटा है और इनके पास पढ़ाने के लिए भी टाइम है, तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, देना पड़ेगा। ऐसा क्वालिटी का मैनेजमेंट होगा तो टाइम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, थोड़ा वो अपने पे फोकस करें और वर्कआउट करें तो ये एक स्ट्रैटेजी चलता है। आप खुद एक टीचर हैं, तो आज के युवा जो भटक जा रहे हैं तैयारी के दौरान, कुछ लोगों को तो पता चल जाता है कि वो क्रैक कर लेंगे, एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट देने के बाद आइडिया हो जाता है, कुछ लोगों को होता है कि पता नहीं चल पाता है कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट देते हैं या कब वापस करना है या कब अटेम्प्ट देना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, कब उन्हें पता चलता है स्टूडेंट कि हाँ वो निकाल लेंगे, कॉन्फिडेंस होता है सर। अगर एज ए स्टूडेंट आप देखें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सेल्फ बिलीफ। आप एक अपने पे भरोसा रखें कि ये एग्ज़ाम, अगर आप मेहनत से, ईमानदारी वाली मेहनत, मेहनत भी दो तरह की होती है, अगर ईमानदारी वाली मेहनत आप कर रहे हैं तो एक निश्चिंत है कि गोल आप अचीव कर लेंगे। सिविल सर्विस की पढ़ाई, चाहे UPSC हो JPSC, उसका सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि आपका अंडरस्टैंडिंग इन जनरल बहुत अच्छा होगा, तैयारी तो करनी चाहिए। और मार्केट में एक बहुत तरह के, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हतोत्साहित करती हैं, चाहे वो फेक न्यूज़ के माध्यम से हो या एक बन गया है कि इस तरह के कुछ चीज़ें को ज़रूरत पड़ती है, बहुत महंगे कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये तरह की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों से बचे, अच्छा गाइड पकड़े। गाइड का मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं है, उसी मैं भी हो सकता हूँ सीनियर की तरह, और भी बहुत से लोग हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया का टाइम है। आपके गाइड कौन बने? मेरे गाइड इनिशियली तो मैं अपना गाइड खुद था, और इस बार मुझे थोड़ा आंसर राइटिंग में फाइन ट्यूनिंग का ज़रूरत था, तो रेनेसा IAS एक है, वो उन्होंने मुझे, वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत मिनिमम फीस पे पढ़ाते हैं, वो भी अपने में एक रिवॉल्यूशन है, उन्होंने मुझे गाइड किया। और अविनाश भैया जो है, डॉक्टर अविनाश कुमार जो BEd कॉलेज के, हजारीबाग BEd कॉलेज में वो फैकल्टी हैं, उन्होंने मुझे गाइड, वो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की तरह इस पूरी यात्रा में मेरे साथ। ज़रूरत तो पड़ती है कहीं ना कहीं गाइड की, या कोचिंग मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे टीचर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी जिन्होंने निकाला है, एक्सपीरियंस है, या फिर जो इस लाइन पे हैं। जी 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 बिल्कुल, आपको आपकी जर्नी जो है वो थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि मेहनत तो करना है आपको, लेकिन अच्छा गाइड अगर मिल जाता है तो वो एक, वो गूगल मैप्स की तरह है, ड्राइव आपको खुद करना है, लेकिन थोड़ा टर्निंग वगैरह में वो एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं। जी, तो चलिए अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चों को पढ़ाना और JPSC की तैयारी करना, इसके अलावा और क्या करते थे दिन भर में ऐसा टाइम मिलता था? देखिए लार्जली मेरा पार्ट जो है वो तीन हिस्सों में था, एक तो स्कूल में जाना, स्कूल का काम, और नवोदय के लिए टाइम निकालते थे, और
और भी और तैयारी मेरी थी। उसके अलावा जो टाइम मिलता था वो मैं कोशिश करता था कि जो मेरे जूनियर्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स बहुत जगह हैं तो उनको मैं भी मेंटरशिप करता हूँ साथ साथ। अच्छा। क्योंकि लखनऊ के भी बच्चे हैं, हज़ारीबाग के भी बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो मिसगाइडेड हो जाते हैं, तो उनको मैं डेडिकेटेडली उनके साथ में लगा रहता था। तो जैसे सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ आप हैं लगातार और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी देखते हैं, तो क्या डिफरेंस है? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देखते आ रहे हैं, जो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं रहती है बहुत जगह पे, कहीं कहीं पे रहती है कहीं कहीं पे नहीं रहती है, तो क्या वो एक फैक्टर बनता है उन्हें पीछे रखने में? ऐसा सर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और प्राइवेट स्कूल के बच्चों का अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। गवर्नमेंट स्कूल में आपको 10% बच्चे ऐसे मिल पाएंगे जो कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो बेस वर्क इरिस्पेक्टिव कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जज्बा उनमें बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों में, सब में तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्पून फीडिंग ज़्यादा है, पेरेंट्स होमवर्क करते हैं, पेरेंट्स रिसोर्स ढूंढते हैं और ये खुद सारा रिसोर्स ढूंढते हैं। तो अगर कंपैरेटिव लेवल पर देखें, अगर वो एक जुझारूपन अगर देखते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में ज़्यादा है। तो आप खुद एक टीचर भी हैं, तो मुझे ये जानना है कि जो बच्चे हैं उनको अपना करियर कब चुनना चाहिए? क्या फिक्स्ड होना चाहिए उनका गोल, या फिर वो टाइम जैसे ग्रेजुअली बीतेगा उससे उनको डिसाइड करना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, या फिर जैसे फोर्थ क्लास या फाइव क्लास में डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे भाई साइंटिस्ट बनना है तो उसी के लिए फोकस करेंगे, मुझे इंजीनियर बनना है तो एट क्लास में डिसाइड कर लिया, क्या होना चाहिए, किस टाइम पे बच्चों को डिसीजन लेना चाहिए, या उनको डिसीजन लेने में कौन इन्फ्लुएंस करेगा? सर आइडियली अगर मेरा पर्सपेक्टिव देखा जाए तो एक बार वो अपना बेसिक एजुकेशन और सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि एलिमेंट्री लेवल की है, क्लास 8 तक की है, एक बार वो अपना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, अपने वीक्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को वो एक बार समझ ले, तो ये क्लास 9th जो है किसी भी कॉम्पिटिशन का, चाहे वो IIT हो या आपका IAS हो, मेडिकल लाइन हो, वो एक राइट टाइम होता है जब सिलेबस उसी हिसाब से मोल्ड होना शुरू होता है, तो वो अपने चॉइसेस को उसी टाइम फिक्स कर लें। इसमें टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पेरेंट्स अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं और रीसेंट ट्रेंड से बहुत ज़्यादा नहीं अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, तो उस केस में अगर एक कोई गैप नहीं है पेरेंट्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, तो क्लास 9th बेस्ट टाइम है कि वो अपने एक्चुअल इनर डिज़ायर को वो फाइंड करें। हर एक रोड मैप, टीचर्स को एक रोड मैप देना चाहिए, जैसे कि किसी को UPSC करना है तो आप आमतौर पे देखेंगे लोग IIT जो चले जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, तो हमें अगर दिल्ली जाना तो पहले साउथ जाना है, फिर वेस्ट जाना है, फिर साउथ जाना है, तो वो क्या होता है कि जर्नी भी लंबी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन भी, एनर्जी कम हो जाता है। 9th-10th में बता देना चाहिए बच्चों को, करियर काउंसलिंग जो है, करियर काउंसलिंग क्लास 9 से शुरू होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो चॉइसेस हो वो अट्रैक्शन बेस्ड नहीं हो, वो इंटरेस्ट बेस्ड हो। चलिए अब JPSC में आते हैं, रैंक 46 आपने 47 लाया है आपने, तो मेंस में क्या बुक आपने पढ़ाई किया, आपका लैंग्वेज पेपर क्या था, और UPSC में जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आए वो लोग सुनना चाहेंगे, ये तीन जो सवाल हैं इसका। मेंस की तैयारी के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, गाइड बुक्स इनको कहते हैं, तो थोड़ा बेसिक्स मैंने उसी से बनाया, स्पर्धा पब्लिकेशंस की बुक्स है, शिवांगन पब्लिकेशन की बुक्स है, तो बेसिस था कि क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, आप मल्टीपल सोर्स पर डिपेंडेंट है। आपके हिसाब से कौन सबसे सटीक रहेगा पब्लिकेशन जो बुक है? ये तो सर मैं बता रहा हूँ सर, उस पर तो मैंने पहले बेस बनाया उन चीज़ों का, और बेस बनाने के बाद फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे इंडियन हिस्ट्री का है, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, NCERT के कुछ बुक्स है, बायो में स्पेशली उन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को मैंने उसके इनपुट्स को डाला, मेंस के लिए। हाँ, ये मेंस के लिए, और बहुत सारे डायग्राम्स है, हर सिलेबस का बहुत सारा डायग्राम इवन यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। हाँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो मेरा नोट्स जो था वो एक सोर्स पे बेस्ड नहीं था, मैंने लोकल गाइड बुक्स भी यूज़ की है, स्पर्धा और जीवांगन की, और जो स्टैंडर्ड UPSC की बुक्स है, चाहे लक्ष्मीकांत, मेरा पूरा इकोनॉमिक्स और क्वालिटी वो एम लक्ष्मीकांत पे बेस्ड है, बाबा इकोनॉमिक्स सॉरी पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा लक्ष्मीकांत के बुक्स पे बेस्ड है, प्लस गाइड बुक से मैंने इनपुट डाला है,
बहुत सारे टॉपर्स का आंसर्स अगर अवेलेबल है नेट पे, तो उनसे भी डिराइव करके मैंने डायग्राम्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं। कुछ ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसे, इग्नू हैं और आपका और भी दो यूनिवर्सिटीज़ हैं नॉर्थ कुरुक्षेत्र नॉर्थ के, उनके भी मटेरियल अवेलेबल है डिजिटल मीडियम पे सब कुछ। मतलब आपने पहले हाँ, हाँ। किया। तो ये कैसे करते हैं, ये पढ़ते पढ़ते वो मटेरियल लाते हैं या फिर पहले कलेक्ट कर लेते हैं? जैसे हमें एग्ज़ाम देना है जेपीएससी का 2 महीने के बाद, हम क्या करेंगे, पहले मटेरियल सारा कलेक्ट कर लेंगे या फिर पढ़ते पढ़ते हम मटेरियल आते जाएगा उसी हिसाब से? कैसे करते? इम्पॉर्टेंट तो आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सिलेबस है। मेरा सिलेबस आप सामने रखिए और आप सेक्शन चूज़ कीजिए। मुझे आज ये सेक्शन पे नेशनल इनकम एक फॉर एग्जांपल, तो नेशनल इनकम का अगर आपका जो है पहले तो आप एक बना लीजिए उसका कंटेंट, और उससे बेहतर कहाँ कर सकते हैं। तो बहुत सारा बुक एक साथ क्या होता है ना कि वो बटन हो जाता है। अच्छा। आप अगर एक बार में सारा बुक्स ले आएंगे तो फिर आपको दूसरा बुक खरीदने का मन करेगा। तो आप एक बार में एक टॉपिक को कीजिए और लगता है इस बुक से एक वो लेयर बनता है सर। आप एक लेयर बना लिए, लगा कि हाँ इसको और सफेस कर सकते हैं, अच्छा गाइड है तो उनको आप दिखाइए ये ऐसे से बनाए, क्या डायग्राम हो सकता है, कुछ फिगर वगैरह डाल सकते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक, सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक, बेस्ट बेस्ट अप्रोच। और उसके बाद फिर इंटरव्यूज में क्या आए, कैसे क्वेश्चन आए आपसे? इंटरव्यू जो मेरा हुआ था उसमें क्वेश्चन जो थे, मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ तो एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है एजुकेशन के लिए। तो बहुत सारे पॉइंट, डे टू डे हमारा काम ही है, हमने बहुत सारे बताया, बहुत सारे पॉइंट्स थे उसके अंदर। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका जवाब आपको नहीं मालूम था या फिर टफ लगा आपको? एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था पिंग पोंग डिप्लोमेसी के बारे में। अच्छा। मुझसे पूछा गया था कि आपका हॉबी क्या है। हाँ। तो मुझे टेबल टेनिस खेलने का शौक है। हाँ। और कभी मौका मिलता तो खेलता भी हूँ, स्कूल्स में मैंने खेला था। तो उन्होंने मुझसे पूछा पिंग पोंग डिप्लोमेसी के बारे में। अच्छा। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए नया था। अच्छा। और तो वो मैं बोला कि सर सॉरी सर, हॉबी भी सोच समझ के बोलना है वहाँ कह सकते हैं सर। हाँ। क्योंकि वो जो बैठे हैं वो इतने ही बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऑफिसर्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं कि आप मतलब तो क्या क्वेश्चन आएगा जी। तो मैं टीटी का मैंने सारा चीज़ कर लिया था। हाँ। लेकिन ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी, एक पिंग पोंग बाउंस मेरे लिए हो गया, बाउंसर जैसा चल चला गया। तो देखिए किस तरह से लोग अपने माइंड को सेटअप करते हैं, तैयारी करते हैं इतनी बड़ी एग्ज़ाम की, पहले परीक्षा देते हैं उसके बाद इंटरव्यू फेस करने के लिए क्या क्या मेहनत करना पड़ता है। तो जैसा सौरभ वर्मा ने बताया कि इतना रैंक लाने के लिए स्कूल से वापस आके घर में पढ़ाई करना और फिर अपने आप को स्टूडेंट मानना, टीचर तो वो स्कूल में ही रहते हैं और टीचिंग का जॉब वहाँ से छोड़ के जब आते हैं तो घर में वो स्टूडेंट बन जाते थे, और स्टूडेंट जब बनते हैं तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा, और लगातार जब पढ़ाई की तो फिर जेपीएससी में ये सफलता हासिल हुई और एक अच्छे टीचर के जैसे उभरते आ रहे हैं। शायद हम लोग तो जाएंगे, अब स्कूल जाना पड़ेगा आपके। क्या बदलाव लाया है आपने, जिस तरह से आपने इंटरव्यू दिया, बात किया, ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज है, क्योंकि नवोदय में जब भेज पा रहे हैं सिलवार के बच्चों को तो हजारीबाग में एक चेंज दिख रहा है। ज़रूर जाके देखेंगे सर, वहाँ के गांव वाले से भी बात करेंगे और जानेंगे आपके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारी। थैंक यू सर, थैंक यू।